जय हिंद दोस्तों, सॉल्विंग ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक नए सेशन की शुरुआत। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो बिना किसी डिले के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर जानते हो, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम लोग की लाइफ जो है वो किसे घिरी हुई है, मशीनों से घिरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से, जिसमें से एक कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का यूज आज के समय में रेलवे में हो रहा है, एयरपोर्ट पे हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर पहले कहाँ यूज होता था, इंजीनियर के पास, साइंटिस्ट के पास। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, ये इस पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उस पुराने समय में जब साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर काम करते थे तो हार्ड कैलकुलेशन करने में उन लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। आज भी अगर अगर हार्ड कैलकुलेशन पे वर्क करें तो जाहिर सी बात है सॉल्व जरूर होगा वो, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी चीज को कवर अप करने के लिए क्या हुआ था, कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर बेसिकली हार्ड कैलकुलेशन को करने के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं आज के समय में क्या हो गया, ये इतना छोटा हो गया सिकुड़ के। ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग इतनी डाउन हो गई है। ठीक है, कि आज के समय में सारे लोग इसे अफोर्ड करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो, सब लोग लैपटॉप रखे हुए यार, सारे के पास मोबाइल है। ठीक है, लेकिन पहले के समय में इतनी कॉस्टली आती थी कि बस इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर यूज करते थे। अगर इसका मैं इतिहास बताने लगूं, ठीक है, तो इसकी इतिहास जो है ना 2500 साल पुरानी है। ठीक है, यानी कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी। उसके बाद एक से एक लेटेस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट होते चला गया और आज के समय ये रूप ले लिया हमारे अंदर, लैपटॉप मोबाइल और डेस्कटॉप के रूप में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2500 वर्ष पहले। पहला मशीन क्या था पता है? देखो, हम उस पर भी बात करेंगे। पहला जो मशीन था वो था हमारा एबेकस। ठीक है, देखो तो वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन कौन सी थी, एबेकस था, नेपियर बोन्स था, पैस्कलिन था, उसी तरीके से सेंसस था, एनालिटिकल इंजन था, मार्क वन था, बहुत सारी थी। ठीक है, बेसिकली हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो इसी पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्या था हमारे यहाँ पे, हिस्ट्री जो है इसकी 2500 साल पुरानी है। ठीक है, और आज के समय में तो ये बहुत ही तेजी से फैल गया हम लोग के अंदर। ठीक है, बहुत सारी यूजेज है यार, हम लोग बिना इसके रह ही नहीं सकते हैं आज के समय में। ठीक है ना, तो चलो इसमें वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसके बाद एक से एक चीजों का निर्माण हुआ, धीरे 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 यही डेवलपमेंट होते 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 हम लोग को क्या धरा दिया, कंप्यूटर लैपटॉप। हम लोग के अंदर क्या डेवलपमेंट किया कि हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप को आज के टाइम में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले चलते हैं एबेकस पे। पहले मैं अपने पॉइंटर को चेंज कर दूं, इसको पेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एबेकस, एबेकस का निर्माण कब हुआ था, 3000 BC। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, इन्वेंटेड बाई ट्रिम कैनमा। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन कैलकुलेशन। ठीक है, देखो यही है एबेकस, एक फ्रेम की तरह है ना, फोटो फ्रेम की तरह। ये देखो पुराने जमाने में, ये सारी विकिपीडिया की फोटोज है, आप चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, विकिपीडिया पे इसके बारे में और आप डीपली पढ़ सकते हो। ठीक है, बट हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है डीपली पढ़ने की। तो देखो ये एबेकस का यूज इसमें क्या कर रहे थे, अर्थ। देखो ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, हेवन, और नीचे वाले को क्या करते हैं, अर्थ। ये सारे देखो एक एक रॉड से है ज्वाइंट, देखो सारे के अंदर एक रॉड है। ठीक है, अब अर्थ देखो ये दो रैक में इसे इसने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले का हेवन, नीचे वाले का अर्थ। हेवन में होते हैं 2 बिट्स और अर्थ में होते हैं 5 बिट्स। बिट्स किसे कहते हैं, मोतियों की माला आप देखते हो ना, मोती की माला को और मोटा कर दो, और मोटा कर दो, और मोटा कर दो, समझ गया, समझ जाओ बिट्स हो गया। ठीक है, इसका यूज क्या करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सब में। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे और फैलता गया और इसके अलग अलग वेरियंट, अलग अलग देश इसे अलग अलग तरीके से डिजाइन करने लग गए। जैसे देखो ये हो गया जापानी एबेकस, ये हो गया रशियन एबेकस। ठीक है, लेकिन ये है इसका ओरिजिनल चाइनीज एबेकस। ठीक है, ये क्लियर है। सबसे पहला एबेकस था 3000 BC में डेवलप हुआ था। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं पास्कल एडिंग मशीन के बारे में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन, इसे अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है। ये देखो ये है पास्कल एडिंग मशीन, इसे क्या कहा जाता था, अर्थमेटिक मशीन कहा जाता था। बेसिक इसको डेवलप किसने किया था, पास्कल ने। ठीक है, ब्लेस पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने 1642 ईस्वी में इसे डेवलप किया था। द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन टू प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये कितनी भी क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, वो पहला
कैलकुलेटर है ये। पास्कलिन वाज डिजाइन आवर इन्वेंटेड बिटवीन 1642 टू 1644। इसने इसे डिजाइन किया था 1642 में, ठीक है, और इसे 1644 तक फुल्ली, समझ लो कि एक मार्केट लॉन्च होता है ना कि कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया हो और हम मार्केट में आने वाला है, जैसे कोई फोर व्हीलर, कोई टू व्हीलर, आप उसका एड देख रहे हो, ठीक है, वो मार्केट में आने वाला, लेकिन वो बन गया है, मैन्युफैक्चर तो हो गया लेकिन अभी मार्केट में नहीं आया है, समझ रहे हो ना। बस उसी तरीके से पास्कलिन वाज डिजाइन और इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644। इट इज यूज्ड गियर व्हील्स एंड डायल्स। देखो इसके अंदर जो होता है ना, गियर होते हैं, व्हील्स होते हैं, डायल्स होते हैं, जैसे उसमें हेवन और अर्थ था ना, उसके बीच में क्या था, बीट्स था, ऊपर दो बीट्स, नीचे फाइव बीट्स, उसके बाद उसको एडजस्ट करके लोग क्या करते थे, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। लेकिन पास्कल एडिंग मशीन से क्या करते हैं, ये भी वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन है टू प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो ये जब पास्कल का कैलकुलेटर बना था ना, तो देखो इनकी उम्र क्या रही होगी, अब गेस करो, एज ऑफ 19, ठीक है, किसकी, पास्कल की, समझ गया ना। अब देखो ये तो देख लिया आप, इट इज यूज्ड गियर्स व्हील्स एंड डायल्स, उसमें बीट्स का यूज होता था, इसमें गियर व्हील्स और डायल्स का यूज होता है। द नंबर वेयर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग अ व्हील एंड परफॉर्म एड सब्ट्रैक्ट डिस्प्ले और डिवाइड, ये जो होता था ना व्हील, व्हील का, व्हील के रोटेशन से ही इसमें एक्शन परफॉर्म होता था, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो उसी के बाद आ गए, जस्ट एक इसके बारे में देख ही लेते हैं, जॉन नेपियर, ये अर्थमेटिक मशीन का डेवलपमेंट किए थे, ठीक है। नेपियर इज मैनुअली ऑपरेट कैलकुलेटर, ये क्या है, ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है, अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड एंड द रॉड वियर्स मेड कार्व्ड बोन्स विच यूज फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें और कोई अंतर नहीं है, सारे काम यही करते हैं, बस देखो इसमें डिवाइड के साथ एक स्क्वायर रूट का ऑप्शन ऐड किया इन्होंने, यानी कि वही चीज कैलकुलेटर एबेकस ही हर जगह पे डेवलप होते जा रहा है, पहले एबेकस आया, उसके बाद पास्कल ने क्या किया, उसे मशीन का रूप दिया गियर व्हील और डायल लगाकर, ठीक है, उसके बाद जॉन नेपियर ने क्या किया, उसमें कार्व्ड बोन्स का यूज किया, ठीक है, रॉड का यूज किया, रेक्टेंगुलर रॉड का शेप दिया उसे, ठीक है, जिसके जरिए वो क्या कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट का एक्शन परफॉर्म कराते थे, ठीक है। नेपियर पब्लिश हिज वर्जन इन 1617, इन्होंने अपना पहला वर्जन कब पब्लिश किया था, 1617 में। द मेथड वाज बेस्ड ऑन लैटिक मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड रैपडोलॉजी, इनके जो मेथड थे ना वो बेसिकली लैटिक मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड थे, और इसे क्या कहा जाता था, रैपडो लॉजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये हम देख लिए अपना रियल फैक्ट, पास्कल एडिंग मशीन देख लिए, आप चाहें तो इसे अपने नोट्स के जरिए लिख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा, अब देखो अब है लैबनीज कैलकुलेटर, ठीक है, अभी कैलकुलेटर की ही दुनिया में चल रहे हो, ठीक है ना। पहले कौन आया, एबेकस, उसके बाद पास्कल आए, उसके बाद हमारे जॉन नेपियर आए, अब आ गए हमारे लैबनीज। इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने कहा ना कि अगर वो पूरा का पूरा मैं अगर सब पढ़ाने लग जाऊं तो आज का दिन भी मेरा खत्म हो जाएगा और ये वीडियो खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए लैबनीज कैलकुलेटर के बारे में पढ़ते हैं, इसका डेवलपमेंट किसने किया था, देखो गॉटफ्राइड विल्हेल्म लैबनीज 1671-1673 इसका डेवलपमेंट डेट है, ठीक है। शुरुआत कब कर दी थी, 1671 में ही, और इसे फाइनल टच कब दिया गया था, 1673 में। बेसिकली ये जो थे ना ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इन्होंने फाइनली लैबनीज कैलकुलेटर को बनाना कब शुरू किया, 71, और फाइनल कब कर दिया, 1673 में, ठीक है। अब देखो इस पर गौर करते हैं यार, इसकी तो हिस्ट्री जान गए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे, ये भी वही काम करता है, ठीक है, बट ये डेसिमल फॉर्म भी एक्शन में लेता है। देखो इट वाज फर्स्ट बिल्ड इन 1673, इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस, ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, इट रिप्रेजेंट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, जैसे 123 रुपीज है, तो कहीं कहीं आप बिल वगैरह देखते हो ना, इनवॉइस वगैरह में, उसमें क्या रहता है, रुपीज 123.00, ठीक है, तो ये बेसिकली डेसिमल फॉर्म को भी प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक्सपैंड ऑन पास्कल आइडिया एंड इम्प्रूव, देखो ये क्या किया, ये पास्कल के आइडिया को इम्प्रूव किया, मैंने कहा ना कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एबेकस ने नींव रख दी, उसके बाद वो डेवलपमेंट होते 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 आज के समय में कंप्यूटर का और लैपटॉप का रूप ले लिया,
ठीक है ना। तो देखो ये रिपोर्ट ये किसके आइडिया पे काम किया, पास्कल के आइडिया पर, उसे इम्प्रूव किया। इसमें इसने सेम चीज यूज किया जो जॉन नेपियर ने किया था, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट, इट इज यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। बस अंतर क्या है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म के नंबर में दिखता है, ठीक है। ये क्या थे, ये बहुत बड़े जानकार थे किसके, बाइनरी सिस्टम के, जो लेबनीज थे ना, ये बहुत बड़े जानकार थे हमारे बाइनरी सिस्टम के, ठीक है। तभी इन्होंने एक आइडिया को डेवलप किया और तब उसको इंप्रूव करके पास्कल मशीन को किसमें कन्वर्ट किया, स्टेप रैकनर में, स्टेप रैकनर, ठीक है। इनके मशीन का नाम लेबनीज कैलकुलेटर जो है उसका नाम क्या है, स्टेप रैकनर, एक नाम है। उसके बाद तो आप जानते हो आइडिया तो जनरेट होते रहता है, नाम चेंज होते रहता है, ठीक है ना। जैसे नाइकी का जूता है, कोई स्पोर्ट्स शू है, कोई फॉर्मल शूज है, ठीक है, लेकिन ब्रांड तो सेम है ना, ठीक है। तो उसी तरह स्टेप रैकनर जो है, ठीक है, यही हमारे लेबनीज कैलकुलेटर है, ठीक है, जो कि कब बिल्ड हुआ था, 1671 में और फाइनल 1673 में, क्लियर है। अब देखो इसी पे ये कहीं कहीं ये हर पेज में मैं डाल दिया हूँ ताकि आप लोग को भी याद रहे। लेट थिंक 12th अगस्त 1981, ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, क्योंकि IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर नोन एज IBM मॉडल 5150, द कंप्यूटर दैट रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। यानी कि IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था जिसका मॉडल था IBM 5150, जिसने इस दुनिया में कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन, यानी कि कंप्यूटर कहा जाता है ना यार, आतंकवाद से हम तंग आ गए हैं, मोदी जी का देखो, मोदी जी कितने प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उसी तरीके से इतने हाईलाइट हुआ ये मॉडल, इतना हाईलाइट हुआ कि एक अलग ही क्रांति ला दिया इस दुनिया के अंदर कंप्यूटर में, ठीक है, क्लियर। IBM के 12th अगस्त 1981 का ये कारनामा है जो कि क्रांति का डेवलप किया था, कहां, हमारे इस विश्व में। इसका पहला मॉडल कौन था, याद रखना, IBM 5150। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, इनके बारे में तो जाहिर सी बात है सब लोग जानते होंगे, ठीक है ही इस लाइक। अब देखो इन्वेंटर ऑफ IT भी इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। वाओ, देखो यार कितनी सारी पढ़ाई कर रखी है इन्होंने, ठीक है। और आज के टाइम में हम ग्रेजुएशन करके सोचते हैं कि यार हमने कौन सी बड़ी डिग्री ले ली। चलो, चार्ल्स बेबेज इज ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ये क्या थे, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, इन्वेंटर भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन पूरी दुनिया ने ही नहीं फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए कंसीडर किया, ठीक है। मतलब जैसे इलेक्टेड होते हैं ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्यों है भाई, क्योंकि इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है इमरान खान की तरह, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरह हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये इलेक्टेड है। उसी तरीके से ये भी जब इनको सबने फादर ऑफ कंप्यूटर कहना शुरू किया, तब इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का पद्धति दिया गया। चार्ल्स बेबेज का जन्म जो हुआ था ना वो 26/12/1791 में हुआ था, यानी 26th of December 1791 में, और इनका इनका डेथ कब हुआ था, 18/10/1871, 18/10 कब, 18/10/1871, क्या यार। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल कंप्यूटर इन 1833। देखो यार इन्होंने आते के साथ बाउंड्री मारना शुरू कर दिया। चार्ल्स बेबेज ने पहला फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन 1822 में इन्होंने पहले लॉन्चिंग मार दी थी प्रोडक्ट की भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 1833, उसके बाद तो इन्होंने जो ध्वनि की तरह धोना शुरू किया, मत कहो, ठीक है। लेकिन क्या करूं, इनका लक टाइम भी खराब था, 18/10/1871 को इन्होंने हमारे इस खूबसूरत से दुनिया को छोड़ के चले गए। टुडे ऑल कंप्यूटर इज चार्ल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजन। आज के समय में देख लो क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या लिखना पड़ा, टुडे ऑल कंप्यूटर इज चार्ल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजन, यानी कि आज के टाइम में जो भी चल रहा है अब, ठीक है, वो चार्ल्स बेबेज के ही सिद्धांतों पे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, एनालिटिकल इंजन में और आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल इंजन है 5 यूनिट, एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोर माइल, ठीक है, एंड स्टोर, यानी कि पहले
इनपुट यानी गेहूं देखे हो ना, गेहूं ठीक है, वीट, वीट को क्या करते हैं, वीट को पीसने के लिए हम लोग मिल में ले जाते हैं, तो मिल में जाकर दिए वीट को, वो क्या किया मशीन में डाला, वो हो गया इनपुट, आटा जो बाहर आया फ्लो वो हो गया आउटपुट, और मशीन के अंदर जो वीट ने अपना कारनामा किया मशीन ने, और वीट को पाउडर की तरह कन्वर्ट कर दिया, वो होता है माइलन स्टोर, जो बाहर निकल के हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है ना। स्टोर क्या करते हैं वो तो आप लोग सब समझिए, स्टोर मतलब होता है जमा करना। तो चलिए चार्ल्स बैबेज की कहानी पढ़ लिए, इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा जिनको भी ज्यादा पढ़ना है वो विकिपीडिया पे जाकर पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है, बट जो नीड है बेसिकली हम वो पढ़ते हैं। तो ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, और आप इन्वेंटर ऑफ आईटी भी इन्हें कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पहला 1822 और दूसरा 1833 एनालिटिकल कंप्यूटर इन 1833 और डिफरेंस इंजन इन 1822 में इन्होंने आविष्कार करके रख दिया था, ठीक है। उसी के बाद फिर कंप्यूटर धीरे 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 और ज्यादा डेवलप होने लगा। अब चलते हैं अगस्ता आडा लवलेस, ठीक है, इस लेडी का नाम भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो अगस्ता वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, ये जो थी ना वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और राइटर भी थी। अगस्ता इज चीफली नोन फॉर हर वर्क ऑन एनालिटिकल इंजन, ये क्या करती थी ना, ये भी एनालिटिकल इंजन पे वर्क करती थी, ठीक है। और वर्क क्या करती थी, समझ लो आपकी ये जो है ना चार्ल्स बैबेज की धारणा को, जैसे वो था ना कौन क्या नाम है यार इसका, लेबनीज, ठीक है, उसने पास्कल के आइडिया को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से अगस्ता ने क्या किया, चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पे काम करना शुरू किया, ठीक है। और काम करते करते उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करने का आइडिया दिया, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, और वो डेसिमल नंबर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो ये सारी चीजें तो और भी पढ़ते हैं, पहले इसमें भी देख लेते हैं। अगस्ता इज चीफली नोन एज नोन फॉर हर वर्क ऑन एनालिटिकल इंजन, यानी कि ये बेसिकली जानी जाती थी क्यों, क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन पे वर्क करते थे। सी इज ऑफन रिगार्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही सजेस्ट की थी डाटा स्टोरेज किसमें करने के लिए, बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 और 1 इंस्टीड ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है ना, ये क्लियर होगा। इनका देखो इनका जन्म कब हुआ था, 10/12/1815, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 22/11/1852, ठीक है, 22/11/1852 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका जन्म हुआ था 1815। अगर इनका जन्म नहीं होता तो सोचो हाँ आज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन रहता, ठीक है। तो चलिए उसी तरह देख लेते हैं एक रियल फैक्ट के बारे में। चार्ल्स जेवियर थॉमस वाज बॉर्न इन फ्रांस, ये चार्ल्स जेवियर थॉमस है जिनकी जिनका जन्म हुआ था कहाँ, फ्रांस में, एंड मृत्यु हो गई 1870 में, 12/3/1870 को, जन्म हुआ 5/5/1785 को। सब शॉर्ट फॉर्म ही, छोटा ही रिचार्ज दिख रहा है, कोई लंबा रिचार्ज देखिए, ठीक है। इट वॉज अ फ्रेंच इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर, थॉमस आर्थोमीटर, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन लेबनीज वर्क, देखो अब ये क्या किया, लेबनीज के आइडिया को आगे बढ़ाया, ठीक है, और इसने क्या किया, फर्स्ट कॉमर्शियल, कॉमर्शियल किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं, यानी कि बड़े बड़े उसमें डाटा सेव होते हैं, ठीक है, उसे कॉमर्शियल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है, इसने क्या डेवलप किया था, फर्स्ट कॉमर्शियल मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, थॉमस आर्थमोमीटर। इट वॉज बेस्ड ऑन लेबनीज वर्क, ये किसके ऊपर आधारित था, लेबनीज, लेबनीज के बारे में भी पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये देखो ये इस पे आधारित था, और ये हमारा जो था पास्कल, ये उसका गुरु था, यानी पास्कल का गुरु, ये लेबनीज का गुरु पास्कल, ठीक है। लेबनीज किसका गुरु हो गया भाई, तो लेबनीज हो गया आपका चार्ल्स जेवियर का, ये इन्हीं के आइडिया, लेबनीज के ही आइडिया पे वर्क करके इन्होंने पहला कॉमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, ये आगे आगे ऐसा आ जाएगा कि ये कंप्यूटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर है, डाउट लगे तो बताना है। ये अगस्ता आडा और ये चार्ल्स जेवियर, इन्होंने चार्ल्स बैबेज की आइडिया पे काम करके एक नया प्रोग्राम को डेवलप करने का आइडिया जनरेट किया, और इन्होंने क्या किया, लेबनीज कैलकुलेटर के आइडियाज पे काम करके इन्होंने फर्स्ट कॉमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर का यूज किया। ऐसे बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं हमारे विश्व के ये लोग, देखो इतनी बड़ी बड़ी चीजें डेवलप कर रहे हैं यार, ठीक है। अब देखो जॉर्ज बुली पे आता है, फादर ऑफ डिजिटल एज इन्हें कहते हैं, जॉर्ज बुली को क्या कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ डिजिटल एज। देखो जॉर्ज बुली को क्यों कहा जाता था फादर ऑफ डिजिटल एज, अब
वो बुलन तो देख रहे, बाइनरी का क्या थी 8 अगस्त, ठीक है। अब इसने क्या किया, जॉर्ज बुली ने, जॉर्ज बुली को ये दिक्कत आने लग गई कि हर चीज को बाइनरी फॉर्म में, यार बहुत कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो रहा है, अब क्या करूं क्या करूं, यानी कि हर चीज बाइनरी फॉर्म में थी। उन्होंने काम करना शुरू किया अल्जेब्रिक लॉजिक पे, अल्जेब्रिक लॉजिक और इक्वेशन पे, जो आप लोग को मैथ में आज के टाइम में अल्जेब्रा और इक्वेशन वगैरह पढ़ने हैं ना। तो इन्होंने काम शुरू किया किस फील्ड में, अल्जेब्रिक लॉजिक और इक्वेशन के फील्ड में। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉब्लम आने लगी। अब प्रॉब्लम इस वजह से आने लगी क्योंकि आडा अगस्ता ने सजेस्ट तो कर दिया, बाइनरी फॉर्म में ला भी दिया, ठीक है। अब बाइनरी फॉर्म का हम लोग यूज एग्जैक्ट तरीके से कैसे करेंगे, अब ये यूज करना चाह रहे थे और उस बीच में क्या हो रहा था कि इनका दिमाग इधर उधर हो रहा था कि नहीं भाई मेरे को पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी आ रही है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे बाइनरी सिस्टम को ही एक अलग वे में चेंज किया, यानी कि पूरा बाइनरी सिस्टम को उस ढंग से चेंज नहीं किया, लेकिन ये चेंज किए निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में। जैसे देखते हो घर में बोर्ड है जिससे लाइट ऑन ऑफ करते हो, ऑफ किए तो वो कट गया, ऑन किए तो वो जल गया, ठीक है। यही होता है 0 और 1, जो उन्होंने बाइनरी आडा अगस्त ने 0 1 का डेवलपमेंट कर दिया और वो सोचे कि वाह इससे आगे क्या होगा नहीं होगा। तो जॉर्ज बुली ने तुरंत उनके ऊपर ये चीज सोचना शुरू कर दी कि आपने तो बुलन का शुरुआत कर दिया, आपका काम यहां से खत्म, ठीक है, अब मेरा काम शुरू। अब मैं क्या करूंगा कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम को मैं किस में करूंगा, 0 को निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 1 को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वो क्या की थी आडा अगस्ता, कि इसे डाटा स्टोरेज के रूप में 0 और 1 को सजेस्ट की थी कि आप यूज कर सकते हो बाइनरी डाटा को सेव करने के लिए। और जॉर्ज बुली ने उनके ऊपर उनसे एक कदम और आगे बढ़ गया, इन्होंने 0 और 1 को पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ही वर्क विद द फील्ड ऑफ एल्जेब्रिक एंड लॉजिक इक्वेशन, ये एल्जेब्रिक और लॉजिक इक्वेशन के फील्ड में वर्क करते थे। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी थे और लॉजिशियन भी थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था, 2/11/1815 को, और ये मरे थे आयरलैंड में 8/12/1864 को, ठीक है। ऐसे तो अगर शुद्ध हिंदी भाषा में कहूं तो कहा जाएगा कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आयरलैंड में हुई थी, वो भी 8 दिसंबर, 8th of December 1864, क्लियर, ठीक है। तो इनकी इनकी डेथ कब हुई थी, 8/12/1864 को, ठीक है। अब देखो ही लिंक्ड द प्रॉब्लम विद बाइनरी सिस्टम एंड रिप्रेजेंट द आंसर, ठीक है, इन द 0 एंड 1, यानी कि ये क्या किया कि ये बाइनरी सिस्टम को लिंक किए एंड रिप्रेजेंट किए 0 को निगेटिव वैल्यू में और 1 को पॉजिटिव वैल्यू में। ही डेवलप ए नोवेल अप्रोच बेस्ड ऑन अ बाइनरी सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग ओनली 2 ऑब्जेक्ट, यस नो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ 0 1, यानी कि इन्होंने पूरा बाइनरी सिस्टम को 2 ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो इन्होंने बाइनरी को क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव का वैल्यू 0 और पॉजिटिव का वैल्यू 1। आठ अगस्त ने क्या किया था, बाइनरी डाटा स्टोरेज का आइडिया जनरेट किया, इन्होंने निगेटिव पॉजिटिव का आइडिया जनरेट किया, और क्या, यस नो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ 0 1, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, हमारे कंप्यूटर सर्किट में, जैसे ऑन ऑफ बटन हो, ठीक है, उसी तरीके बहुत सारी जगह पे यूज होने लग गया, ये सर्किटों में ये चीजें यूज होने लग गई, जो कि कहाँ से आई है, प्रिंसिपल ऑफ बुलियन लॉजिक से, ठीक है, बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुलियन लॉजिक, ठीक है। द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट यूज्ड बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुलियन लॉजिक, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, सॉरी। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ये हमारे कौन थे, डिजिटल एज के फादर हैं, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे। इनकी जन्म हुई, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, इनकी मृत्यु हुई थी आयरलैंड में 1815-1864, ठीक है। इन्होंने बाइनरी सिस्टम को लिंक किया था किसके साथ, निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के साथ, जो कि आज के टाइम में ट्रू फॉल्स यस नो ऑन ऑफ 0 1 के ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, ये चीज जॉर्ज बुली का ये फॉर्मूला बेसिकली कंप्यूटर सर्किट्स में यूज होता है, जो कि किस पे आधारित है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुलियन लॉजिक पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, ठीक है। अब
ये भाई साहब का क्या कमाल है ये देख लेते हैं। इनका पहले तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेंटर है और स्टैटिस्टिकियन है, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन, बहुत लंबा वर्ड है यार, ठीक है। अब देखो इनका जन्म हुआ था 29/2/1860 को और इनकी मृत्यु हुई थी 17/11/1929 को। ये इन्होंने क्या बनाया था, टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। अब देखो इन डेवलप द इलेक्ट्रो मैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन, इन्होंने एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन बनाया था। बाकी सबने क्या किया था, मैकेनिकल डिवाइस का निर्माण किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन का डेवलपमेंट किया। दिस मशीन वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर आउटपुट, यानी कि यह मशीन क्या कर सकती थी, किस लायक थी, तो ये डाटा को रीड कर सकती थी, उसे प्रोसेस कर सकती थी, यानी कि उस पर काम कर सकती थी और उसका जो भी आंसर निकल गया था वो आपको प्रेजेंट कर सकती थी। जैसे आप डाटा रीड कैसे करेगा, आज के टाइम में देखते हो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, हम लोग डाटा किसके जरिए अंदर कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, यानी कि अगर हमें कुछ कंप्यूटर को कहना होता है या हमें कुछ कंप्यूटर में लिखना होता है तो हम किसके जरिए लिखते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है आज के टाइम में, जैसे कीबोर्ड हो गया, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या था, इनपुट करते हैं, इससे हम अपने डाटा को बताते हैं कि हाँ आपको ये चीज समझना है, उसी उसी ये तो वो काम करने के लायक था। रीडिंग डाटा करता था, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करता था, यानी काम करता था एंड उसका एक डिजायर आउटपुट देता था। इन दिस मशीन पंच कार्ड विल यूज्ड विच हैड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन। देखो इसमें पंच कार्ड की मदद से, जैसे आज के टाइम में हम लोग कीबोर्ड की मदद से इनपुट देते हैं ना, उस तरह उस समय पंच कार्ड की मदद से क्या होता था कि हम लोग सारी चीजें करवाते थे, यानी कि इनपुट देते थे, ये डाटा को रिकॉर्ड करता था और उसको स्टोर करता था, ठीक है। इसका यूज कब हुआ था पता है, 1890 में हुआ था, जब यूएस में सेंसेक्स ब्यूरो वालों ने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, तभी इसका फाइनल टेस्ट कर लिया गया था। द इनपुट इन दिस मशीन वॉज गिवेन थ्रू अ पंच कार्ड, इसमें जो हम लोग इनपुट देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, पंच कार्ड के थ्रू, ये हमेशा याद रखेगा। इसमें जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, पंच कार्ड के थ्रू, और जो रिसीव होता है, रिकॉर्ड होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन, वो भी कहाँ होता है, पंच कार्ड में होता है, ठीक है। डॉक्टर हरमन विल डेवलप हिज ओन कोड फॉर दिस मशीन इज नोन एज हॉलरिथ कोड, यानी कि देखो अब इस मशीन को चलाने के लिए डॉक्टर हरमन ने क्या किया कि अपना खुद का कोड जनरेट कर लिया, ठीक है। वो खुद का कोड जनरेट करके इस मशीन में फिट किए, जैसा होता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक है, उसी तरीके से डॉक्टर हरमन ने खुद का एक कोड जनरेट किया और उसे इसमें पुट किया। क्लियर है यहाँ तक, इसका यूज हुआ था सबसे पहले फाइनल 1890 जिसमें इसको सक्सेस भी मिली थी, उसका यूज किसने किया था, यूएस सेंसेक्स ब्यूरो वाले ने, ठीक है। इसमें इसमें किसका यूज होता है, पंच कार्ड का, किस लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और सेव करने के लिए, ठीक है, स्टोर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जॉन वॉन न्यूमन, अभी ये भाई साहब का पढ़ते हैं कुछ, इनका जन्म हुआ था कहाँ बताओ यार, चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था हंगरी में, ठीक है। अब देखो 28/12 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 8/2, ठीक है, 1957 है मृत्यु का ईयर और 1903 है आपका जन्म का ईयर, ठीक है। बेसिकली ये पूछता रहिए बट आप लोग देख लो, हो सकता है कभी आप लोग को काम ही आ जाए, ठीक है। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये क्या थे भाई, ये मैथमेटिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे और इंजीनियर भी थे। इट वॉज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस टू स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड, ये वो पहले थे जिन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस शुरू की थी डाटा को स्टोर करने की और इंस्ट्रक्शन पे काम करने की, किसके थ्रू, बाइनरी कोड के थ्रू, इन द मेमोरी, मेमोरी में, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस टू स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड, ठीक है, इन द मेमोरी। अब देखो न्यूमन मीट विथ प्रेस्पर एकॉट एंड जॉन मॉकली एंड बिल्ड एडवैक, एडवैक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1950। इन्होंने एडवैक का निर्माण किसका किसके साथ मिलकर कर दिया था, प्रेस्पर एकॉट और जॉन मॉकली, ठीक है, इसके द्वारा मिलकर इन्होंने क्या डेवलप किया था, एडवैक, यानी एडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1950 में,
ठीक है, एडवाक वाज अ बाइनरी सीरियल कंप्यूटर विथ ऑटोमेटिक एडिशन कैलकुलेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम डिवीजन एंड ऑटोमेटिक चेक विथ अल्ट्रासोनिक सीरीज मेमोरी हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1024 44 बिट वर्ड। ठीक है, ये देखो ये कितना एडवांस था, अब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है ना, हम लोग एबेकस से शुरू किए थे, अब देखो उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है, एबेकस आया, उसके बाद पास्कल आया, उसके बाद लैबनीज आया, उसके बाद चार्ल्स बेबेज आया, उसके बाद अगस्ता आई, ठीक है, उसके बाद जॉर्ज बुरी आए हमारे, उसके बाद हरमन आए, ठीक है, उसके बाद हमारे कौन आ गए, जॉन वॉन, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या योगदान दिया अपना, इन्होंने बेसिकली प्रैक्टिस शुरू कर दिया था किस पे, बाइनरी कोड पे, क्या करने के लिए, स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इनका कंप्यूटर भी रेडी हो गया जो कि ऑटोमेटिक काम करता था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, प्रोग्राम डिवीजन में, ठीक है, और ये इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1024 यानी कि 44 बिट वर्ड। एडवेक एवरेज एडिशन टाइम वाज 864 माइक्रोसेकंड, यानी कि सोच लो कि ये इसका एडवेक का जो एवरेज एडिशन टाइम है, यानी कि एक नॉर्मल एडिशन ये कितने देर में करता है, 864 माइक्रोसेकंड में ये कर लेता है, एंड इट एवरेज मल्टीप्लीकेशन टाइम इज 2900 माइक्रोसेकंड्स, और ये मल्टीप्लीकेशन कितने समय में कर लेता था, 2900 माइक्रोसेकंड में, ये 2900 माइक्रोसेकंड में ये क्या कर लेता था, मल्टीप्लीकेशन कर लेता था। अब सोच लो यहाँ से, देखो यहाँ से स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि काम को ऑपरेट कराने का टाइम कम हो गया, ठीक है, और सिस्टम की स्पीड जो है वो धीरे धीरे फास्ट होती जा रही है। ठीक है, एबेकस में भी देखो उस समय थोड़ी स्लो, इसके बाद और थोड़ा सा फास्ट, फिर थोड़ा सा फास्ट, अब देख लो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए 2900 माइक्रो सेकंड लेता है और ये एडिशन के लिए 864 माइक्रो सेकंड लेता है, यानी कि अब ये ऑटोमेटिक पे आ चुके हैं हम, अब ऑटोमेटिक कंप्यूटर की शुरुआत शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आते हैं हम हॉवर्ड आइकिन पे, अब ये अमेरिकन फिजिस्ट थे, ठीक है, ये प्राइमरी इंजीनियर थे किसके, आईबीएम के, समझ गए, आईबीएम ने जो पहला डेवलपमेंट किया था, कब किया था, अभी बताया था ना आप लोगों को, चलो एक बार फिर बताया, तो 12 अगस्त 1981 को आईबीएम ने पहला पीसी को लॉन्च किया था, जिसने क्या किया, पहला तो नहीं बोलेंगे लेकिन आईबीएम ने एक पीसी लॉन्च किया, ठीक है, जिसका जिसने क्या किया, क्रांति ला दिया था। ठीक है, तो उसी में ये पहले इंजीनियर थे। अब देखो, ही इनविजन्ड एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस एंड डेवलप द फर्स्ट ASCC एंड लेटर रीनेम्ड हार्वर्ड मार्क वन, मार्क वन का आप लोगों ने नाम सुना था, ठीक है, नहीं भी सुनो तो जाके एक बार पढ़ लेना, मार्क वन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखो, ही इन्विजन्ड एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, अब ये क्या किए कि अब उन चीजों पर काम करना शुरू किए, ठीक है, जिसके जरिए इन्हें एक कंट्रोलर कैलकुलेटर मिल जाता, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, यानी कि वो भी किसके तरह, जॉन वैन वॉन की तरह एडवांस, और आगे एडवांस हो, और आगे एडवांस हो, और उसको करते करते इन्होंने क्या किया, मार्क वन का डेवलपमेंट किया 1944 में, ठीक है, जिसका नाम क्या था पहले, ASCC, मतलब कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और उसका नाम बदल के फिर क्या रख दिया गया, हार्वर्ड मार्क वन, ठीक है, हार्वर्ड मार्क वन रखा गया, कब, 1944 में। दिस मशीन वाज कैपेबल टू एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली, यानी लंबे लंबे, एक और पढ़े थे हम लोग जिसमें लंबे लंबे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते थे, अब इसमें क्या है कि उससे बड़े बड़े कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते थे, यानी कि उसके अंदर कैसे आज के समय कैलकुलेटर कितना भी लंबा डेट है उसको जो मल्टीप्लाई प्लस एड माइनस कुछ भी करो यार उस पे आंसर निकल के आता है, ठीक है, अब इतना लंबा डिजिट वो कवर नहीं करता है, बट ये क्या करता था, बहुत लंबे लंबे डिजिट को कवर करता था, क्लियर है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है, बॉर्न इन 83 1900 एंड डाइड इन 14 3 1973 ईयर था इनका एज, वाह वेरी गुड, लंबा चले, चलिए कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब आते हम एनीवैक, एनी ENIAC और यूनिवैक, नहीं लेकिन ये पढ़ना गलत है, UNIVAC, ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है ना, ठीक है, एनेक और यूनिवैक। अब देखो ये क्या था, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1946। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो ये एनियक में ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक इसका फुल फॉर्म है ये, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कब इन्वेंट हुआ था, 1946 को हुआ था। ठीक है, एनियक का वजन आते हो 30 टन था, यानी कि समझ लो आप ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता था। उस समय तो ट्रांजिस्टर था नहीं, तो उस समय क्या यूज करता था, ये यूज करता था उस समय वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब देखो यार ये चीज तो समझ गए, इट वाज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि आप इसे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर भी कर सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन मॉकली और जे प्रेस्पो एकॉर्ट। इसका निर्माण किसने किया था, इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, जॉन मॉकली और जे प्रेस्पो। ठीक है, इट कंसिस्ट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड मोर टाइम फास्टर देन मार्क 1। अब मार्क 1 तो उन्होंने डेवलप कर दिया, अब एनियक को क्या किया इन्होंने कि और ज्यादा फास्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या करता है कि इट कुड एड 2 लार्ज नंबर इन 200 माइक्रोसेकंड। इसमें क्या कितना था, 864 माइक्रोसेकंड। देखो इसमें और घटा ना, यानी कि कंप्यूटर और फास्ट हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 200 माइक्रोसेकंड पे कैलकुलेट करने शुरू कर दिया ये। ठीक है, अब देखो इट वॉज अ वॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम WW, मतलब वर्ल्ड वॉर 2। इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेटर नीडेड टू प्रोड्यूस आर्टिलरी फायरिंग टेबल फॉर द आर्मी। इसका यूज कहाँ किया गया था, इसका यूज वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। ठीक है, अब देखो इसका यूज तो आप लोगों ने देख लिया, इसका पूरा नाम भी आप लोग जान गए, इसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल, या आप इसे कह सकते हैं दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है ना, इसको यूज कहाँ करता था, इसे इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, यानी कि इसे US में आर्मी के लिए बेसिकली इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ये क्या करता है ना कि तोपखानों में फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता है था। ये क्या करता था, तोपखाना यानी कि जो होता था ना आर्टिलरी, ठीक है, उससे के फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने में काम आता था, यानी कि कब मुझे कौन सा बम फाड़ना है, नहीं फोड़ना है, जहां फोड़ना है। ठीक है, तो ये US में इसलिए ये चीज बना था। अब देखो जो भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते थे या फिर कोई प्रोग्राम का ऑपरेशन चलता था इस कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक समय में एक साथ कर लेता था, यानी कि दो दो सिस्टम पे ये एक साथ। देख होता नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप में MS वर्ड भी खोला हुआ हूँ, मेल भी खोला हुआ हूँ, फेसबुक भी खोला हुआ हूँ। ठीक है, उसी तरीके से ये काम करता था, एक ही समय में दो दो। ठीक है, किसी नई परेशानी को हल करने के लिए आपको इसे सेटअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। ठीक है, ये अन्य सभी कंप्यूटर के लिए एक आदर्श है जिसे देखकर अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, यानी कि आगे के नेक्स्ट जनरेशन जो भी कंप्यूटर के आते गए उनका निर्माण इन्हें देख देख के एबेकस से शुरू हुआ। भाई दिमाग लगाना, सोच लो अभी एनियाक पे आ गए हैं हम। ठीक है, अब देखो इसके क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर तो था नहीं, उस समय बना ही नहीं था, तो किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। अब देखो वैक्यूम ट्यूब भी खतरनाक है, मैंने आपको बताया ना कि कितनी बिजली लेती है। ठीक है, उसी तरीके से देखो इसके कुछ एडवांटेज भी थे। ठीक है, ये कंप्यूटर जानते हो इतना फास्ट था कि ये कैलकुलेशन कितनी देर में करता था, एडिशन 200 माइक्रोसेकंड, उसी से सोच लो। ठीक है, ये स्टोर भी कर सकता था। ठीक है, और उस समय वैक्यूम ट्यूब मिला करते थे जो कि सस्ते मिल जाते थे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर तो बना नहीं था, तो वैक्यूम ट्यूब सस्ते मिलते थे, तो उसे ही इन्होंने लगाया। ठीक है, अब देखो इसके घाटे भी बहुत सारे थे। देखो यह कंप्यूटर बहुत बड़ा आकार में होता है, यानी कि बहुत लार्ज साइज में होता है। ठीक है, ये बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी भी खाता था। अब भाई सामान बड़ा है तो बिजली भी खाएगा ही खाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी गर्म हो जाता था कि मत कहो। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लगाया गया था, हजारों वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यह विश्वसनीय है, यानी कि यह भरोसेमंद नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इतना जल्दी गर्म होता था ना कि अब इसको ठंडा रखने के लिए अब उस रूम में AC लगाना पड़ता था। ठीक है, और ये सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, आज के टाइम की नहीं है कि रोबोट बना दिया भैया उसे बोल दोगे वो परफॉर्म कर देगा। मोबाइल में देखते हो गूगल, गूगल को आप कुछ ही बोलोगे निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये उस समय सिर्फ मशीनी भाषा समझता था, यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता था। ठीक है ना, अब उसी तरीके से आता है हमारा
यूनिवैक, एनीएक तो देख लिया आप लोगों ने, अब आते हैं यूनिवैक पे। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये दो आदमियों के द्वारा बनाया गया था, जॉन और प्रेस्पर। ठीक है, कब हुआ था इसका इन्वेंशन, 1946 में। ठीक है, और अंतर आपको बता दिया मैंने। अब उसी तरह आते हैं यूनिवैक पे। अब देखो यूनिवैक क्या करता है, यूनिवैक का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनिव। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर, वन। ठीक है, अब देखो इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन प्रोड्यूस इन द यूएस स्टेट। मैं भी पागल हो गया हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट होगा, मैं यूएस बोल रहा हूँ, स्टेट वो भी। ठीक है, अगर लैंग्वेज मिलाया जाए तो सही है। इट वाज डिजाइन इन 1951। अब देखो ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि किसके लिए यूज हुआ था, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज हुआ था, यानी कि बेसिकली ये यूएस में यूज किया गया था। क्यों डेवलप किया था, बड़े बड़े बिजनेस को हैंडल करने के लिए, उनके एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इट वाज डिजाइन इन 1951, इसे कब बनाया गया था, 1951 में। इट वाज डिजाइन प्रिंसिपली बाई जेफ प्रॉस्पर एकॉर्ट एंड जॉन मॉली। देखो ये भी यहाँ मिल गए, ये भी यहाँ मिल गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और दिमाग लगाया उस पर, एक होता नहीं है कि जब कुछ डेवलप हो जाता है तो उसे और टेक्नोलॉजी में लैस किया जाता है। ठीक है, पहले के जमाने में देख लो यार, पहले के जमाने में ईंट का वो चूल्हा बनता था ना गांव में, उस पर खाना बनता था, उसके बाद गैस आया, उसके बाद फिर इंडक्शन आया। ठीक है, पहले एक झोस लगाते थे हवा निकाल धुआं निकालने के लिए किचन से, आज के टाइम में क्या लगाते हैं, चिमनी लगाते हैं। उसी तरीके से इन लोगों ने और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है, अब द इन्वेंटर ऑफ एनीएक। ठीक है, यानी कि जो इन्वेंटर एनियाक के थे, वही इन्वेंटर किसके थे, यूनिवैक के थे। इट वाज हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। अब देखो इसमें क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब वगैरह का यूज करते थे। ठीक है, इसमें ऐड करते थे नंबर्स को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, बट इसमें इट वाज हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। इसमें टेक्स्ट डाटा को भी हैंडल कर सकते थे और न्यूमेरिक डाटा को भी हैंडल कर सकते थे। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर That was equipped with magnetic tape unit and also used buffer memory. ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था जो कि किससे लैस था, मैग्नेटिक टेप से लैस था और बफर मेमोरी यूज करता था। ठीक है, इसी की मदद से वो क्या करता था कि न्यूमेरिक डाटा और टेक्स्ट डाटा दोनों को हैंडल करता था, और इन दोनों का बॉस जो है वो एनियाक का खुद बॉस है। ठीक है, तो जब एनियाक ही उन लोगों ने मिलकर बनाया था, तो उसे डेवलप करके यूनिवैक बनाने में उन लोगों को और मेहनत करना पड़ा, उसके बाद टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डेवलप किया, तो यूनिवैक क्लियर है। अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट करना यार। ठीक है, अब और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन तो शुरू हो गया था हमारा एनियाक से। ठीक है, अब और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था, बताया था ना, उस समय ट्रांजिस्टर नहीं था तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। इनपुट आउटपुट के लिए क्या किया गया था, पंच कार्ड और पेपर टेप। एक्सटर्नल के लिए मैग्नेटिक टेप। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, आपको बताया था ना फर्स्ट में कि वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। यूनिवैक, एनीवैक और एडवैक। ठीक है, यूनिवैक एनीएक होगा ये, सॉरी बी एड हो गया, और एडवैक। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन कब का था, 1940 से 1956। अब आते हैं सेकंड जनरेशन में, इस समय क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हो गया था, जिसे कि हल्की अब गर्मी को बर्दाश्त किया जा सकता था। ठीक है, और इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप सेम यही चीज इसमें भी हुआ था, इसमें दिमाग लगा करके सिर्फ ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया गया था, उसका असेंबली यानी कि लैंग्वेज उसकी भाषा को चेंज कर दिया गया था। यानी कि ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या, कौन सी भाषा आप समझते थे, असेंबली, फोरटेन, कोबल, PL/1, ये सारी भाषाओं को समझने लगे, जिसमें आपका IBM का एग्जाम्पल देख लो, 1400 एंड 700 सीरीज। ठीक है, IBM का 350 सीरीज। ठीक है, ये सारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग यानी कि 3 डिफरेंट लैंग्वेज में ये सपोर्ट करता था। अब उसी तरीके से आप थर्ड जनरेशन में 64 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब जॉर्ज बुली का याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इसमें इनपुट आउटपुट के लिए क्या करते थे, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज करते थे, यानी कि इनपुट कीबोर्ड। जब हम लोग अब आ जाओ अपने डेस्कटॉप वाले में, माउस अभी नहीं आया है, ठीक है ना, अभी माउस का टाइम बाकी है फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो अब इसमें इनपुट देने और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज करने लगा। एक्सटर्नल स्टोरेज की इसमें था, मैग्नेटिक डिस्क में। अब देखो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा, पास्कल का यूज होने लगा, फोर्टन यूज होने लगा, RPG यूज होने लगा। यानी कि अब पहला मशीन लैंग्वेज ही समझता था, बाइनरी कोड 01 ऐसे ही समझता था, धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा, अलग अलग लैंग्वेज कंप्यूटर समझने लगे।
इसमें देखो इसमें एप्पल भी शामिल है, आईबीएम सिस्टम 360 भी शामिल है और अल्टायर भी शामिल है। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन पे आते हैं, 1972 टू प्रेजेंट, अभी के समय में जो चल रहा है उसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और अभी के समय में अब डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें एआई है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो फोर्थ जनरेशन से क्या हुआ, माउस प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड शुरू हो गया, इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप विथ हायर कैपेसिटी आ गया, शुरू हो गया ना आपका कैपेसिटी बना स्टोरेज। ठीक है, अब देखो कहाँ से अबेकस से शुरू किए थे, कहाँ खत्म कर रहे हैं आज, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे खत्म कर रहे हैं। इसमें कितनी भाषा समझने लगा कंप्यूटर, सी सी प्लस प्लस जावा एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर बहुत सारा पाइथन। ठीक है, ये सारी चीजें आज के समय, इसमें एग्जाम्पल देख लो क्रे, क्रे बहुत बड़ा है, ये सब साइंटिस्ट लोगों का कंप्यूटर है, एप्पल टू वैक्स 900। ठीक है, अब देखो लास्ट बच गया हमारा फिफ्थ जनरेशन जो अभी से चल रहा है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन भी है, ठीक है, फोर्थ से हम लोग फिफ्थ की तरफ एंटर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी आ रही है, रिलायंस वाले सबसे चेक करो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या करता है रॉबोट वगैरह, देखियो अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्पीच, यानी कि गूगल, गूगल पे देखो गूगल वॉइस है ना जिसपे आप बोलते हो और सारी चीजें वो समझकर आपको आंसर रिवर्ट करता है। तो ये ह्यूमन के यानी कि आदमी की बोली पे काम करता है, यानी कि उसके बोलने को समझता है, अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्पीच, इसी का नाम है एआई। क्लियर है यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत लगी तो बताना। अगर एआई का एग्जांपल अगर ऐसा कोई कंप्यूटर आ जाता है अभी के समय में, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में एक बार जरूर बताऊंगा। अब आ जाओ टाइप ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन आ गया, सेकंड जनरेशन आ गया, फोर्थ जनरेशन आ गया, अब फिफ्थ जनरेशन। देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर में अब आते हैं, कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर। ठीक है, अब माइक्रो के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। स्मॉल साइज एंड चिप, यानी कि ये साइज में स्मॉल होता है, डिजाइन फॉर पर्सनल यूज, ये घर में यूज करने के लिए बनाया गया, ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यूज इन होम ऑफिस शॉप, इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, घर पे यूज कर सकते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो, शॉप पे यूज करते हैं, बेसिकली लैपटॉप वगैरह नहीं होता है। तब जाहिर सी बात है यार, कहीं भी शॉप पे जाओगे देखो आज के टाइम पे बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर दिखेंगे आपको। इट प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ मिनी कंप्यूटर, बिगर साइज देन माइक्रो, ये माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है, डिजाइन फॉर पर्सनल यूज, ये भी पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया है, सपोर्ट अप टू 4 to 200 यूज, इसमें क्या है, इसमें 4 से 200 यूजर तक सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ एक देखते नहीं हो कि एक यहाँ है एक वहां है, यहाँ से वहां लेटर भेजना है कुछ लिखना है, तो इंटरनल कंप्यूटर सब कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होता है यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इंटरनल एक दूसरा से, एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे कैंपस है, क्या क्या एसी देखे हो, एसी बड़े बड़े होटलों में एक ही रिमोट से 12 12 रूम के एसी चलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये होता था। ठीक है, इसमें 200 यूजर तक सपोर्ट करता था, ये कहाँ यूज होता था, यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनाइजेशन, लेस एक्सपेंसिव एंड हायर प्रोसेसिंग स्पीड, ये भी कम खर्चीला था और ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड में काम करता है, यानी कि स्पीड इसकी ज्यादा थी। इसका एग्जाम्पल देख लो, प्राइम 9755 वैक्स 8650 पीडीपी। अब आ जाओ मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, लार्ज मेमोरी, बिग इन साइज, हाई स्पीड, पावरफुल कंप्यूटर, समझ गए, इसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, साइज में बड़ा होता है, हाई स्पीड पावरफुल कंप्यूटर होता है, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है माइक्रो और मिनी से भी तेज होती है। दे आर डिजाइन टू हैंडल अ लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क एंड टैकल हाई अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से ये सब में बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये इसलिए डिजाइन किए गए क्योंकि इसमें बहुत सारे काम और बहुत सारे अमाउंट में डाटा, यानी कि आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह को सेव कर सके। ठीक है, दे आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजर वेयर मेनी यूजर नीड टू एक्सेस द सेम डाटा, जैसे रेलवे का साइट हो गया, ठीक है, डीआरडीओ साइट हो गया, इसरो साइट हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट साइट हो गया, ठीक है, एक साथ बहुत सारे यूजर काम करते हैं, बैंक की साइट हो गई। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग कंपनी ने वेबसाइट बना के नहीं ना दिए, अलग अलग कंप्यूटर नहीं ना दिए, एक वेबसाइट लाई डाला, कंप्यूटर एक डाला और उसी के अंदर सबको एक्सेस दे दिया। अब उसका कंप्यूटर भी इसी कंप्यूटर से एक्सेस है, उसका भी इसी से है, इसी तरीके का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करती है। ठीक है, अ डिवाइस कॉल्ड द टर्मिनल इज यूज टू एक्सेस दिस कंप्यूटर। अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि होटल सब में, बड़े बड़े होटलों में देखो 20 AC का एक कंट्रोलर रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये ऑफिस वगैरह में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर रहते हैं ना, उनका भी एक कंट्रोलर रहता है। ठीक है, वो वहां से उसको कंट्रोल करता है, समझ गए। इसके एग्जांपल देख लिया, आईबीएम जेट सीरीज हो गया, पीडीपी 10 हो गया, सिस्टम जेट 10 हो गया। अब आ जाओ सुपर कंप्यूटर पे, ये तो है, इसका भी गुरु है, हाई लेवल परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन सब का जनरल पर्पस कंप्यूटर से बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है, ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड इन सबसे ज्यादा है, यूज इन क्वांटम मैकेनिक, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन,
मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, एरोप्लेन, एरोस्फीयर का, ये सब का यूज कहाँ होता है? रिसर्च में होता है, बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े जगहों पे होता है, जैसे जहाँ से ऑयल गैस का एक्सप्लोरेशन है, क्लाइमेट रिसर्च है, जो मानसून विभाग है, मौसम विभाग है, जो हमारा इसरो है, ठीक है, जो हमारा एरोड्रम है, इन सब जगहों पे ये सारी सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्रे 1, क्रे 2, परम, तियानी, ठीक है। दीज मशीन आर कैपेबल ऑफ हैंडल द मैसिव अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन दैट आर बियॉन्ड बाई द ह्यूमन कैपेबिलिटी, यानी कि ये वैसे वैसे हैंडल करते हैं ना कैलकुलेशन जो कि इंसान के समझ के ऊपर से जाती है, ठीक है, इतने हाई हाई अमाउंट में कैलकुलेशन करते हैं। अब भाई सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन तो करेगा ही इतनी हाई अमाउंट में, ठीक है। चलो तो यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो मेरे किसी भी टॉपिक से तो भाई मेरे को कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, क्लास 4th और 5th के बच्चों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।